दाईवाल साहब तो इतना ठंडा हो रहा है, टाइम देखे कौन करता, अब तो ठंडे हो गए। ठंडा होता ना आदमी जब सबको मालूम हो जाए ठंडा हो गया। मंत्री से बनता उसके सेकेंड रात को कौन सा देवी देवता आता है, इनको पागल बना देता है, ये देखते ही नहीं। और 5 साल में लाल चित्तू हो जाते हैं और लाल होकर के बैठ जाते हैं बगैर उपयोग की। जब आदमी भूखा ही नहीं है और अधिक खाना खा जाते हैं, एसिडिटी होगी और क्या होगा। तकनीकी शिक्षा देखिए आप, हमारी सरकार ने बोलेंगे फ्री लॉन्च है ये तो, क्या बता रहे हो, इनको रोको ही मत आप, लाइन चलती है। आप बताओ, संसदीय मंत्री जब कह दिया आप कुछ भी बोल सकते, फिर आप पेड़ा क्यों पा रहे हो। ये सदन में अध्यक्ष के बाद संसदीय मंत्री होता है, ये वहां भरी ली हमारी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हमारे पिलानी में तकनीकी कॉलेज खोल दी, पिलानी तो इंजीनियरिंग के नाम की नगरी है और वहां भी खोल दी। अब वहां खोल तो थी लेकिन कौन आए, बंद पड़ी है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी। ऐसी चीजें कई कांग्रेस सरकार में हुई जिनका उपयोग नहीं था, बगैर उपयोग की। जब आदमी भूखा ही नहीं है और अधिक खाना खा जाए तो एसिडिटी होगी और क्या होगा। तो इसलिए गलत किया, ये भी नहीं करना चाहता। आवश्यकता की चीज झांसरूत है, वहाँ खोलने से क्या फायदा मिलेगा और उससे सरकार की नीति और निर्देशक भी अच्छे रहे। इसलिए मैं कहूँगा आपको जहाँ भी जरूरत है। अब मैं अभी 3-4 दिन पहले वित्त मंत्री जी को कह रहा था कि मेरे सूरजगढ़ में 1936 में नगर पालिका बनी थी, आज तक संसदीय मंत्री जी उसकी सेवरे लाई नहीं पड़ी। मैं कांग्रेस सरकार में भी कह दिया, धारीवाल साहब को भी कागज ले लिया, पता नहीं कौन से खड्डे में डाल दिया, देखा ही। धारीवाल साहब से बोला था, नहीं बोला था आपने, धारीवाल साहब से, धारीवाल साहब तो इतना ठंडा हो रहा है, टाइम देखा ही कौन करता, अब तो ठंडे हो गए। क्योंकि जब ठंडा होता है ना आदमी, जब सबको मालूम हो जाए ठंडा हो गया। ये मंत्री है ना, ये मैं तो मंत्री बना नहीं, मैं तो प्रधान सरपंच सब रह लिया, MLA भी कई बार रह लिया, लेकिन मंत्री है ना, मंत्री से बनता उसके सेकेंड रात को कौन सा देवी देवता आता है, इनको पागल बना देता है, ये देखते ही नहीं। और 5 साल में लाल चित्तू हो जाते हैं और लाल होकर के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ जनता ने जो तुम्हें मौका दे ही दिया और तुमको मौका मिल ही गया और जन्म तुमने ले ही लिया इस काम में और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो रस में डूब के मजा लो। मेरा कहना मतलब जनता का काम करके लोगों को बताओ कि मैं क्या हूँ, और जो जनता को काम करेगा उसका आज ही तो कल उसका प्रतिफल मिलेगा। कोई कहता है कि मैंने काम किया मेरे को प्रतिफल नहीं मिला, मैं कहता दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कर्मों को कोई खा जाएगा।